गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फाइनली हम लोग लास्ट क्लास में एफोरिज्म 82 के बारे में पढ़े थे। एफोरिज्म 82 में बोला गया था कि डिजीजेज के ट्रीटमेंट के लिए सिमिलर मेडिसिन है एंड स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइज स्ट्रिक्ट पार्टिकुलर ट्रीटमेंट जिसको इंडिविजुअलाइजेशन कहा गया है। तो 82 से ऑब्वियसली एक तरह से देखा जाए तो ये स्ट्रिक्ट पार्टिकुलर ट्रीटमेंट या फिर इंडिविजुअलाइजेशन ये केस टेकिंग का एक नींव रख दिया गया है। नाउ 83 से लेके 104 तक एफोरिज्म 83 से लेके 83 से लेके एफोरिज्म 104 तक केस टेकिंग का जेनरल डायरेक्शन बोला गया है। क्या बोला गया है? जेनरल डायरेक्शंस। तो अगर जनरल डायरेक्शंस बोला गया है तो इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर भी होगा। ऑलरेडी आप लोग एफोरिज्म 294 या 291 तक पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता है जहाँ मेंटल डिजीज का बात किया गया था, जहाँ इंटरमीडिएट डिजीज का बात किया गया था, जहाँ वन साइडेड डिजीज का बात किया गया था, जहाँ लोकल डिजीज का बात किया गया था, इन सारी जगहों पर ऐसे केसेज केस टेकिंग के लिए कुछ कुछ स्पेशल डायरेक्शंस दिए गए थे। तो 83 204 जो है आप लोगों को जस्ट एक जनरल डायरेक्शन है, जनरल डायरेक्शन है। एफोरिज्म 83 टू एफोरिज्म 104 केस टेकिंग का जनरल डायरेक्शन है। और बाकी जो है वो स्पेशल केसेज के बारे में बोला गया है, जहां पर हैनिमैन सर को ये लगा कि हाँ ये केसेज को कुछ स्पेशल अटेंशन चाहिए, ऐसे केसेज को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल गाइडलाइन चाहिए। तो वहां पे डॉक्टर हैनिमैन ने स्पेशल अलग से लिखा। तो ये 83 204 जो है ये जनरल डायरेक्शंस है, यहाँ क्लियर होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम लोग केस टेकिंग शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, फाइनल ईयर में हैं, आप लोगों को क्लियर है केस टेकिंग क्या है। पूरा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी आप लोग इसको ये किए हैं, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं केस टेकिंग क्या है। केस टेकिंग बेसिकली एक जो हम लोग 3 पॉइंट बोले थे ना, 3.71 में उसका सेकंड पॉइंट है केस टेकिंग। केस टेकिंग बेसिकली जो डिजीज है उसको एज इट इज जैसा है वैसा परसीव करने का तरीका है, जैसा है वैसा उसको नोट डाउन करना, ठीक है? किस लिए आखिर हम लोग किस लिए नोट करेंगे? तो केस टेकिंग में जो हम केस के सिम्टम्स का नोट को नोट करते हैं, सिम्टम्स को नोट करते हैं, बेसिकली ये सिम्टम्स का नोट डाउन करना के लिए हमारे पास क्या पर्पस है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअलाइजेशन। उसको जो डिजीज पिक्चर है उसको हम लोग इंडिविजुअलाइज करेंगे, ठीक है? से उसको फीवर है, हेडेक है, दिस है, दैट है, कुछ भी एक सफरिंग है। तो ये जो फीवर है या ये जो हेडेक है इसमें क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल है? तो फर्स्ट पॉइंट जो है केस टेकिंग का फर्स्ट मतलब पहला लक्ष्य जो है डिजीज को इंडिविजुअलाइज करना एंड एज ए रिजल्ट इंडिविजुअल को इंडिविजुअलाइज करना। इस सर के हेडेक में और उस सर के हेडेक में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो डिजीज को इंडिविजुअलाइज करना और डिजीज के थ्रू इंडिविजुअल को इंडिविजुअलाइज करना, क्योंकि क्योंकि हम लोग इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं तो इंडिविजुअलाइज करना। अब इस इंडिविजुअलाइजेशन से हमको क्या गेन होने जा रहा है, क्यों करने जा रहे हैं? ऑब्वियसली अगर हम इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, केस टेकिंग कर रहे हैं, सिम्टम्स को नोट डाउट कर रहे हैं और इसके थ्रू इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअलाइजेशन हमको मल्टीपल स्टेप्स में हमको हेल्प करेगा। क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप कि जो डिजीज है उसका क्या प्रोग्नोसिस होने जा रहा है, क्या मतलब कि सिम्टम्स के स्टेटस से हम लोग ये समझते हैं, सिम्टम्स के स्टेटस से हम ये समझते हैं कि ये केस क्यूरेबल है या नहीं है। कैसे? तो आप लोगों को एफोरिज्म 14 याद होगा जहाँ पे बोला गया है कि एवरी क्यूरेबल डिजीज मैनिफेस्ट सिम्टम्स। वो सिम्टम का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन होता है। क्योंकि डेथ बेड पे
टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर हो या टर्मिनल स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हो, कोई भी डिजीज हो, तो सिम्टम तो आएगा। आदमी अगर इंडिविजुअल लिविंग है तो वो सिम्टम देगा, चाहे हेल्दी हो या डिजीज हो। बट सिर्फ सिम्टम से तो हम एज ए होम्योपैथ हमारा काम नहीं चलने जा रहा है। हमको चाहिए इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम, हमको चाहिए ऐसा सिम्टम्स कि जिस सिम्टम से मिस्टर एक्स के टाइफाइड में और मिस्टर वाई के टाइफाइड में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर ये नहीं मिलेगा, ये इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम नहीं मिलेगा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो केस टेकिंग हम करते हैं वहाँ से पता चलता है, अगर क्लियरिटी ऑफ सिम्टम्स है, ठीक है, तो पता चलता है कि ये केस ड्यूरेबल है या नहीं है। और क्या पता चलता है? और पता चलता है कि जो सिम्टम्स का मतलब ऑर्डर है, पेशेंट में सिम्टम्स कैसे कैसे डेवलप हुए हैं, ये ऑर्डर को हम लोग नोट डाउन करते हैं, इस ऑर्डर को नोट डाउन करते हैं। अगर अगर हम देख रहे हैं कि सिम्टम्स मेडिसिन देने के बाद रिवर्स ऑर्डर में सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये केस टेकिंग हमको अपने डिजीज के प्रोग्नोसिस में हेल्प कर रहा है, डिजीज के अपने केस ऑफ डिजीज के प्रोग्नोसिस में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी सिम्टम्स नोट किए हुए हैं और देख रहे हैं कि हमारे मेडिसिन देने के बाद ओल्ड सिम्टम्स अपियर हो रहे हैं। तो केस टेकिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलाइज करके हमने मेडिसिन को जाना, केस क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल है इस चीज़ को डिसाइड किया। ऑब्वियसली क्यूरेबल होगा तो एक अलग तरीके से उसको डील करेंगे, इनक्यूरेबल होगा तो एक अलग तरीके से डील करेंगे। आप लोग ऑलरेडी केंट ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं, तो इनक्यूरेबल केस अगर होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या नहीं करेंगे, ये हम लोगों को एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस टेकिंग जो हम लोग कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस क्यूरेबल है कि नहीं है। क्यूरेबल है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये देखे। अगर इनक्यूरेबल है तो उस हिसाब से उसको डील करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो सिम्टम्स का ऑर्डर हम लोग नोट किए हैं पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री वगैरह में, जो भी है पर्सनल हिस्ट्री वगैरह में, जो भी मतलब ये सब सिम्टम्स का जो हमने मतलब ऑर्डर नोट किया है, इस ऑर्डर से हमको केस के प्रोग्नोसिस में पता चलेगा केस का। तो केस टेकिंग से जो हमने इंफॉर्मेशन लिया, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा हम लोगों को प्रोग्नोसिस को मॉनिटर करने के भी काम आ रहा है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली केस टेकिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं तो मान लीजिए, इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं तो मान लीजिए अगर कोई फीवर के केस है तो उसमें आप इंडिविजुअलाइज कीजिए कि किस टाइप का फीवर है। अगर कोई पेन है तो क्यों हो रहा है, ये इंडिविजुअलाइज करिएगा। और इस इंडिविजुअलाइज करने के बाद मान लीजिए दर्द है पेशेंट को, छूने से बढ़ रहा है तो, और ग्रेड 2 में है, ठीक है, और छूने से चलने से बढ़ रहा है, पूरा रेड हो गया है, तो उस पोजीशन पे अगर एक दर्द है तो उससे हमको एक मतलब डिजीज डायग्नोसिस में भी हेल्प मिलेगा। तो इंडिविजुअलाइजेशन हो जाएगा, वो भी एक तरह का, एक लेवल का इंडिविजुअलाइजेशन है। अब ये दर्द है तो हो सकता है यूरिक एसिड के चलते हो रहा है, हो सकता है यूरिक एसिड के चलते हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा का लेवल बढ़ा हो उसके चलते हो रहा है। तो उस केस में हम पेशेंट को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मतलब पेशेंट के डाइट को, पेशेंट के रेजिमिन को, यूरिक एसिड है तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलेंगे ना, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए उस वैसे पेशेंट्स को नहीं बोला जाएगा। उसके बाद क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो पेशेंट का जो मतलब एक तो मेडिसिन देते हैं और उसके अलावा जो साइड से ट्रीटमेंट देते हैं, साइड बाई साइड डाइट रेजिमिन वगैरह जो देते हैं, वहाँ पे भी इंडिविजुअलाइज करेंगे, वहाँ पे भी इंडिविजुअलाइज करने का तो हमको डाटा मिलता है ये केस टेकिंग के द्वारा, ठीक है। सो केस टेकिंग से हमने क्या किया? केस टेकिंग से हमने डिजीज डायग्नोसिस किया, केस टेकिंग से हमने मेडिसिन डायग्नोसिस किया, केस टेकिंग से हमने डाइट एंड रेजिमेंट डायग्नोसिस किया,
और कि स्टेकिंग से हमने प्रोग्नोसिस कैसे कर हो रहा है, वेदर पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, ये इसका एक टूल हासिल किया, प्रोग्नोसिस को हम कैसे मॉनिटर करेंगे। तो फाइनली अगर हम देख रहे हैं तो केस टेकिंग क्या है, एक इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन किस चीज़ का, एक केस ऑफ डिजीज का। तो क्यों करेंगे इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली डिजीज डायग्नोसिस करने के लिए, मेडिसिन डायग्नोसिस करने के लिए, पेशेंट की डाइट एंड रेजिमेन को डायग्नोज करने के लिए, मतलब प्रिस्क्राइब करने के लिए, और फर्दर पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा हो रहा है इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए। केस टेकिंग को जब हम डिफाइन करेंगे तो यार ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्या क्या? नंबर 1 डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज डायग्नोसिस। नंबर 2 मेडिसिन सिलेक्शन या मेडिसिन डायग्नोसिस जो कहना है कहीं, मेडिसिन सिलेक्शन। यहाँ पे मेडिसिन सिलेक्शन मतलब डोज पोटेंसी रिपीटेशन एवरीथिंग, अब इसको अलग से मैं लेने नहीं जा रहा हूँ, बट मेडिसिन सिलेक्शन का मतलब मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का पोटेंसी, मेडिसिन का रिपीटेशन एवरीथिंग, ये आपको केस टेकिंग से ही होगा। केस टेकिंग जो है किस लिए करते हैं, तो इसी के लिए करते हैं, डिजीज डायग्नोसिस, मेडिसिन डायग्नोसिस, डाइट एंड रेजिमेन का सिलेक्शन। ठीक है, डाइट एंड रेजिमेन का सिलेक्शन और मॉनिटरिंग प्रोग्नोसिस। यहां डिजीज डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, डिजीज क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल है, क्या है, इसी के अलावा हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, केस टेकिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो डिजीज डायग्नोसिस करने के लिए। डिजीज डायग्नोसिस करने से क्या होता है अपने को, डिजीज डायग्नोसिस करने से अपने को पता चलेगा कि केस क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल है। अगर क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल है उस हिसाब से हम उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करेंगे, और उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होगा, मेडिसिन का सिलेक्शन होगा। ऑब्वियसली जब मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे तो मेडिसिन का क्या पोटेंसी देना है, क्या रिपीटेशन देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेडिसिन के सिलेक्शन के अंदर आएंगी, और जो कि इसका भी इंफॉर्मेशन हम लोग जो केस टेकिंग किए हैं उसके एनालिसिस से ही आएगा। नेक्स्ट जो है, ये सारी चीज़ें हो गई तो पेशेंट का मेडिसिन सिलेक्शन हो गया, तो क्या डाइट देना है क्या नहीं देना है। ऑब्वियसली हम लोग पढ़े हुए हैं कि एकोनाइट अगर के साथ सावर फूड देते हैं तो वो उसको एंटीडोट कर देता है, या फिर लैकेसिस के साथ या सेपिया के साथ अगर सावर देते हैं तो वो एग्रावेट होता है। तो यहाँ से एक मेडिसिन के थ्रू भी डाइट एंड रेजिमेन का डायग्नोसिस हुआ, प्लस जो उनका केस का जो डायग्नोसिस हुआ उसके थ्रू भी इंडिविजुअलाइज किया हम लोगों को डाइट एंड रेजिमेन, किस केस में हमको एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करना है, किसके केस में नहीं करना है, लाइक दिस। तो ये सारी चीजें हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ केस, केस का प्रोग्नोसिस कैसे हो रहा है इसके विषय में हम लोग केस टेकिंग के द्वारा जानते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का जो मेन पार्ट है कि हम लोग केस टेकिंग क्यों करते हैं, मेन केस टेकिंग का क्या डिफिनेशन है, इसमें आपका ये चारों चीज सम्मिलित होना चाहिए, तब जाके आपका केस टेकिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, आप लोग पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हम लोग तो जस्ट रिविजन कर रहे हैं, तो ये चीज आप लोगों को पहले से पता है, ये रिविजन हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं एफोरिज्म 83 को। एफोरिज्म 83 जो है, जो कि केस टेकिंग
का फर्स्ट पार्ट है, वहां पे सीधे बोल रहे हैं दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ ए केस ऑफ डिजीज फॉर विच आई शैल गिव ओनली आई शैल ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शन। हमने पहले ही बोला कि अभी सिर्फ हम लोग केस टेकिंग के बारे में, जनरल डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑफ विच द प्रैक्टिशनर विल हियर ऑफ विच द प्रैक्टिशनर विल बियर इन माइंड ओनली व्हाट इज एप्लीकेबल टू ईच इंडिविजुअल केस। ये ऑलमोस्ट सारे केसेज में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे 83 से अगर एमसीक्यू का बात उठता है तो फिजिशियन को केस टेकिंग करने के लिए क्या क्या करेक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, जो फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडिस, साउंड सेंसेस, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग एंड फिडलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिजीज। ये चारों चीज जो हम लोग नॉलेज ऑफ फिजिशियन फ्रेम 3 में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद अगर अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया होगा लास्ट ईयर में थर्ड बीएचएमएस में या सेकंड बीएचएमएस में, तो वहाँ पे आपको पता होगा ये 83 वाले पोर्शंस भी आपको देना पड़ेगा कि फिजिशियन को क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडिस, ऑलरेडी हम लोग ऑन प्रिजुडिस ऑब्जर्वर पढ़ चुके हैं, उसको हम लोग डिटेल करने नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बोल रहे हैं साउंड सेंसेस, पर साउंड सेंस होना ही चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आपके सेंस का मतलब आपका सेंस ऑफ स्मेल सही नहीं है या सेंस ऑफ विजन सही नहीं है या आप डिसओरिएंटेड हैं, तो आप किसी चीज़ को कैसे मतलब सही तरीके से जज कर पाइएगा। आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं मेटेरिया मेडिया में डिफरेंट टाइप के स्मेल्स बोली गई हैं, आपका मान के चलिए सुराइनम में एक अलग टाइप का स्मेल आता है, नाइट्रिक एसिड में एक अलग टाइप का स्मेल आता है, बेंजोइक एसिड में एक अलग टाइप का स्मेल आता है, फ्लोरिक एसिड में, कार्बोलिक एसिड में अलग टाइप का स्मेल आता है। तो आपका जगह आपको जगह आपको अगर स्मेल्स में डिफ्रेंशिएट करना ही पता नहीं है तो आप कैसे समझ पाइएगा। आपको आपका कलर विजन सही होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ये ब्लड को देख करके ये आर्टेरियल ब्लीडिंग हो रहा है या वेनस ब्लीडिंग हो रहा है, दोनों का लाइन ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग होगा। आपको स्किन के कलर को देख के पता चलना चाहिए कि ऑब्वियसली ये कौन सा कलर है। आप लोग एपिस मेलिफिका लाइकेसिस वगैरह पढ़े होंगे जिनका कोई पार्टिकुलर कलर है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग एपिस का और लाइकेसिस का कलर बताइएगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहा, ठीक है। तो ये आपको एकदम साउंड सेंसेज होना चाहिए, आपको क्लियरिटी ऑफ मतलब ये होना चाहिए, विजन होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको कि आपको मतलब करना क्या है, देखना क्या है। तो सेंस साउंड नहीं रहेगा अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपको हियरिंग में प्रॉब्लम है, आप सही से मतलब नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट के केस में मर्मर हो रहा है, ये मिड डायस्टोलिक हो रहा है या पैनसिस्टोलिक हो रहा है या क्या हो रहा है। सो आपको ये सारी चीज़ें एकदम सेंस क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। दैट इज वाई साउंड सेंस का जरूरत है। तो अन प्रिजुडिस ऑब्जर्वर हो गया, साउंड सेंसेस हो गया, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, पेशेंट को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब केस टेकिंग कर रहे हैं तो आप बस आपका केस है और कुछ नहीं है। जो हम लोगों ने अर्जुन का जो कहानी सुना था, द्रोणाचार्य ने चिड़िया पेड़ पे लटका दिया था और बोला कि सब निशाना लगाओ, तो अर्जुन बोले कि मुझे सिर्फ चिड़िया का आंख दिख रहा है, बाकी सबको पूरा दुनिया जहान दिख रहा था। तो एज ए फिजिशियन जब आप केस टेकिंग कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ चिड़िया का आंख दिखना चाहिए। वो बोलते हैं ना तीरंदाजी में बुल्स आई, तो वो बुल्स आई पे आपका एकदम निगाह होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं, आपको एकदम बुल्स आई को हिट करना है। क्यों भाई,
पेशेंट बात करते 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 कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि आपको इंडिकेशन का काम करता है। ठीक है सर, हो गया, हो गया इग्निशिया का प्रिस्क्रिप्शन। बात करते करते पेशेंट बोला, डीप साइन, नजर अगर आपका तेज नहीं है, पेशेंट पे आप फोकस्ड नहीं है, तो ये डीप साइन, ये जो डीप साइन है जिससे आप इग्नेशिया कैल्केरिया फॉस वगैरह पे के डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये आप मिस कर जाइएगा, ये मिस कर जाइएगा। तो आपको एकदम फोकस्ड होके देखना पड़ेगा, फोकस्ड होके देखना पड़ेगा। वो बोला गया है ना कि व्हाट माइंड डज नॉट नो आइज कैन नॉट सी, व्हाट माइंड डज नॉट नो आइज कैन नॉट सी। तो आपको अपने माइंड को और अपने आई को ट्रेन करना पड़ेगा सीखने के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए। ये केस टेकिंग का, केस टेकिंग जो है बेसिकली ये आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये देखना सीखना है और कुछ नहीं, पेशेंट को कंटिन्यूअस वॉच करना सीखना है। और ये आई फ्रेंकली स्पीकिंग, ये मतलब बुक्स को पढ़ के नहीं हो सकता है, ये बुक्स को पढ़ के नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली बुक्स को पढ़ के हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, बट इस बुक को जब तक हम लोग बेड साइड में जाके अप्लाई नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। आप विराट कोहली का और सचिन तेंदुलकर का और ब्रायन लारा का और जो जो भी अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं उनके बैटिंग का वीडियो देखिए, घंटों वीडियो देखिए, पूरा 24 आवर वीडियो देखते रहिए, सोइए भी मत। बट उनके वीडियो को देखने से आप, उनके वीडियो को देखने से आप अच्छे बैट्समैन नहीं हो सकते हैं। आप लता मंगेशकर को या पंडित भीमसेन जोशी को या कुमार गंधर्व को सुनिए, ठीक है, पूरा एकदम ताउम्र सुनते रहिए, जगजीत सिंह को सुनते रहिए, बट आप अच्छे गायक नहीं हो सकते हैं जब तक आप रियाज नहीं कीजिएगा, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करिएगा। तो ये केस टेकिंग जो है जस्ट कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस लर्निंग का चीज़ है, जिसको कि हम लोग रोज 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 एक्सरसाइज करेंगे, और जितना एक्सरसाइज करेंगे उतने अपने आप को निखारते जाएंगे। वो एक पिक्चर आया था ना ये अक्षय कुमार का, आई थिंक इट वॉज चांदनी चौक टू चाइना, ऐसे कुछ करके था पिक्चर। तो उसमें बोल रहा है कि आप कितना स्टेप्स जानते हैं वो मायने नहीं रखता, बट आप इस स्टेप को कितना परफेक्शन से कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो परफेक्शन कैसे आता है, उसको कितना बार रिपीट करिए, कितना बार रिपीट करिए। सो ये जो केस टेकिंग में ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, और ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन और उसके बाद बोल रहे हैं ईमानदार ऑब्जर्वेशन, ये दोनों चीज जिजीविषा कि हाँ हमको केस में सिम्टम्स को निकालना है, इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम को निकालना है, ये एकदम अंदर से होनी चाहिए। और जब तक आप केस को इंडिविजुअलाइज नहीं कर पाते हैं माई फ्रेंड, आई एम सॉरी, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड सिस्टम है। अगर आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई मतलब, आप बहुत ही बुरे स्थिति में फंसेगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। सो आपको इंडिविजुअलाइज करना ही होगा, ये तमन्ना आपके दिल में एकदम काफी, एक जो बोलते हैं भूख की तरह कि हाँ हमको हर केस में एक इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम निकलना है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका रेपर्टरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बेड साइड से होता है, ठीक है। सो एफोरिज्म 83 बेसिकली केस टेकिंग में फिजिशियन का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए उसके बारे में बात करता है। एमसीक्यूज में जाइएगा, स्टेट पीएससी या नीट वगैरह में, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वालिटी ऑफ फिजिशियन कितना एफरीज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफोरिज्म 83, नॉलेज ऑफ फिजिशियन कितना एफोरिज्म में लिखा है, तो एफोरिज्म 3, ये आपका एमसीक्यू पोर्शन से रहा, ये भी साइड बाय साइड चलना चाहिए। आप लोग एफोरिज्म 83 को ढंग से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। और इसके अलावा आप लोगों के पास केस टेकिंग की जो भी बुक्स हैं, उनको पढ़िए।
आई विल सजेस्ट यू दो टू बुक्स, दो बुक आपको बोलूँगा मैं, आर्ट ऑफ केस टेकिंग एंड आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये दोनों पी स्मिथ का है, पेरे स्मिथ का है, ये दोनों बुक आप लोगों के पास होना चाहिए, होना चाहिए। सो ये दोनों बुक्स अपने ले लीजिए आप लोग। और ये जो 83 का एफरिज्म है, 83 एफरिज्म है, इसका एक बढ़िया रीडिंग दीजिए आप लोग। इसके अलावा जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक्स हैं, सर्जरी की, क्लिनिकल मेडिसिन, क्लिनिकल सर्जरी की बुक्स हैं, वहाँ से भी केस्टेकिंग के बारे में पढ़िए। केस्टेकिंग क्या है? जस्ट आर्ट है लर्निंग, उसको लर्न करना है। और आर्ट को आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्शन आएगा। सो एफोरिज्म 83 को पढ़िए, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। थैंक यू।